जो हमने निर्णय लिया है वो निर्णय आज जो उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है कि अब अनेकों राज्य हमारे यहाँ का जो नकल अध्यादेश हमने लागू किया है उस नकल अध्यादेश को कहीं ना कहीं अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में अगर हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है और तो वैसे तो पूरे देश दुनिया के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं PCS, IAS, अनेकों परीक्षाओं को हमने इसमें सम्मिलित किया है। जैसा अभी धन सिंह जी ने बताया कि उसकी राशि को भी हमने पहले 50,000 रूपये किया था प्रोत्साहन राशि, उसको अब 1,00,000 रूपये हम कर रहे हैं। और आज उनका भी यहाँ पर चूंकि जितने लोगों को उसमें आज प्रोत्साहन किया जाना था वो सारे के सारे एकदम से नहीं आ सकते थे, उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। आज जो सबसे अच्छी बात है कि गुजरात के बाद विद्या समीक्षा केंद्र जो प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने थोड़ी देर का जो ऊपर उसको देखा है, इसके चालू होने के बाद इस केंद्र से विद्यालय छात्रों एवं अध्यापकों से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़ों को उनकी उपस्थिति है रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा तथा छात्र आकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सभी जितने भी हमारे उनके माता पिता हैं अभिभावकगण हैं उन सभी का भी मार्गदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस केंद्र में आज के दिन अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं की रियल टाइम ऑनलाइन स्थिति उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितने भी हमारे विद्यालय जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं उनको भी इस के अंतर्गत कहीं न कहीं आच्छादित किया जाएगा, तो यह भी एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते समय हमको इस टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है, आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रूपये की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2,804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1,488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना है। और उसको ध्यान में रखते हुए 5G के इस युग में पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा, इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है,
जिसके तहत मेधावी छात्र छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि इससे पहले हम विद्यालयी शिक्षा में भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी हम उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। निश्चित रूप से इससे हमारे नौनिहालों को आने वाले समय में उनके विकास में, उनके कैरियर डेवलपमेंट में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, बहुत सारी चीजों में उनका प्रोत्साहन होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा यह निरंतर प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। और विशेष कर से हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है वो तो वैसे तो पूरे देश दुनिया के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों निर्णय राज्य के स्तर पर लिए हैं और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए भी जो हमने निर्णय लिया है वो निर्णय आज केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है कि अब अनेकों राज्य हमारे यहाँ का जो नकल अध्यादेश हमने लागू किया है उस नकल अध्यादेश को कहीं न कहीं अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो जब हमने इसको लागू करने का निर्णय लिया था उस समय केवल हमारा एक उद्देश्य था कि इससे नकल रुकनी चाहिए, इसका कितना आउटकम आएगा यह उस समय उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं वो दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं,